और ये आप मेरे सामने जो देख सकते हैं ना, ये जो हैं ये नाबीना लोग हैं। एक नाबीना देखिए दूसरे नाबीना को रास्ता दिखा रहे हैं। और ये जो ऊपर देख सकते हो आप, ये ना मसाज, न्यू रिलैक्स मसाज सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो भी मसाज करने वाले लोग हैं वो सब नाबीना हैं और उनको यहाँ पे काम दिया जाता है। और नाबीना लोग हैं जो मसाज कर रहे होते हैं हमको। यहाँ इन्होंने घंटों के हिसाब से लिखे हुए हैं प्राइस के, कंधे का करेंगे तो कितना, हाथ का करेंगे, टांग का करेंगे, गर्दन का करेंगे तो कितना, उस हिसाब से। ठीक है, और सब नाबीना लोग हैं जो यहाँ पर मसाज देते हैं ना, मसाज का काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत अच्छी बात है ये कि उन लोगों की भी यूटिलाइज भी होता है उनको, और वो लोग अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ वो लोग अपना काम कर सकते हैं और अपने लिए ज़िंदगी गुजार सकते हैं ना। तो ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ एक और भी दुकान है जो इसी तरह की है। ये अभी आप देख सकते हैं, मैं ना इधर एक सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे आ गई हूँ। तो टॉप फ्लोर पे जो है यहाँ पे गेम सेंटर है। मैं यहाँ पे पहले बहुत आके खेलती होती थी मगर अब नहीं खेलती है ना। और ये मेरी फेवरेट गेम भी यहाँ पर लगी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी फेवरेट गेम, मैं ये बहुत खेलती थी, अभी भी खेल के आई थी। ये वाली तो मैंने पिछले हफ्ते भी खेली थी मगर मेरा मतलब कि इस जगह पर मैं काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ इस वाले गेम सेंटर पे। वो उधर बच्चों के लिए भी लगे हुए हैं। ये इन्होंने ऐसी डेकोरेशन विंडो बनाया हुआ है। यहाँ से देखो ये ट्रेन जो है ना, ड्रैगन ट्रेन, ड्रैगन सेंटर इसलिए कहा जाता है कि ये ट्रेन बिल्कुल ड्रैगन की तरह है। और मैं कितना ऊपर आ गई हूँ, मेरा मोबाइल ना गिर जाए, मुझे बड़ा उसका डर लेता है कि हाथ ज़रा सा शेक होगा और मोबाइल नीचे। वो वहाँ लिफ्टें ऊपर आ रही हैं, मैं तो अभी एक्सीलेटर से वन बाय वन ऊपर आई हूँ, जाते हुए उसमें नीचे जाऊँगी। आगे अंदर चलते हैं, अंदर दिखाती हूँ कैसा है। अंदर जाएंगे भाई, ओहो यहाँ भी खूब मजे हैं। दिल तो कर रहा है वैसे थोड़ा सा खेल ही लूँ। ये देखें कितने एल्डरली हैं बाबा जी जो खेल रहे हैं ना, टाइम एंजॉय कर रहे हैं बाबा जी। मुझे ये गेम आती भी नहीं है बिल्कुल। बाबा जी खेल रहे हैं यहाँ पे, ये बच्चे हैं सारे, ये बच्चों की बाउलिंग। यहाँ पे शोर काफ़ी है तो मुझे लगता नहीं है कि मेरी आवाज़ सही जा रही होगी, ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, वो अंदर तक भी है सारा। और ये भी, और यहाँ अंदर जहाँ मैं जा रही हूँ ये और ज़्यादा जो है स्पेसिफिक बड़ी बड़ी गेम है। जो बच्चे गेम चलाना जानते हैं ना उनको पता होगा इनके बारे में, कार रेसिंग, ये देखो बम बम आग मारी, देखा उसने मुझे है ना। और यहाँ पे ये सारे ये मेरे ख्याल सब बच्चों की गेमें हैं, बाइक वाइक चलाने जो उनको पता होगा, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। ये सब यहाँ मुख्तलिफ गेम्स चल रही हैं। ठीक है, बाहर जा रही हूँ, शोर हो रहा है इधर। मेरा जैकपॉट निकला भाई, जैकपॉट आ गया, टिकट इकट्ठी हो रही है भाई। रहा नहीं गया, मैंने कहा खेल ही लूँ अब आई हूँ तो, क्या पता कल हो ना हो। ओके, अभी मैं एक फ्लोर नीचे आ गई हूँ, मतलब ये 8th फ्लोर है। और यहाँ पर जो है पूरा खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने की दुकानें सब। तो यहाँ पर जो है हमारे खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, बस ये
ड्रिंक्स वगैरह पी सकते हैं, शेयर टी है, या पहले यहाँ पर एक नेपाली भैया की दुकान होती थी, अभी मैं क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो दुकान अभी तक है या बंद हो गई। हाँ मुझे नज़र आ रही है भाई, खुली हुई है, खुली हुई है करी कॉर्नर। तो मैंने अभी कुछ खाया नहीं है, सो के उठ के नमाज़ पढ़ के बस फिर मैं आ गई थी। तो अभी देखते हैं, देखो ना कितना कितना खाना खाते हैं, इतना खाना खाते हैं, पता नहीं कैसे लोग इतना खाना खाते हैं। देखें अभी खाना खा रहे हैं सब लोग। अभी मैं देखती हूँ ये भैया का करी कॉर्नर, हलाल भी ये देखिए लगा हुआ है बोर्ड। तो मैं यहाँ से कुछ ऑर्डर करती हूँ। ये भैया के इधर ये लाचा पराठा बनाते हैं, बहुत अच्छा ये बना रहे होंगे, लाचा पराठा इधर बहुत अच्छा होता है इनका पराठा बना हुआ। ट्रिक्स देखें, ट्रिक्स इतना पतला कर दिया है, देखा। पहले यहाँ पे एक अंकल होते थे वो बनाते थे, अभी ये भैया नया कोई आया है बनाने के लिए ना। ये देखो वही ट्रिक्स, मैं भी यही ऑर्डर करने वाली हूँ, लाचा पराठा। उन्होंने पेड़ा बना लिया है, उसको बेलेंगे। बहुत देखो ना मस्त है ना। अभी इससे पहले कि राल और टपक जाए हम इसको लेते हैं, खाते हैं पहले, ठीक है। चलें अभी ये मेरा ऑर्डर आ गया है, ये लाचा पराठा। आज नया लड़का था, उसने ना मतलब ज़्यादा वो पकाया नहीं है, मुझे लग रहा है ब्राउन ब्राउन थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन नहीं किया, लेकिन इसको केक खा के देखते हूँ। और ये मेरा मैंगो लस्सी बोला था, पता नहीं अब ये मैंगो लस्सी नहीं, मुझे मैंगो जूस लग रहा है ज़्यादा। ये हलाल चिकन नगेट्स, और ये इन्होंने पराठे के साथ खाने के लिए कुछ सॉस दिए हैं ना, ये करी है शायद, और ये तो केचप लग रहा है। और यहाँ मैं इसके सामने ही बैठी थी, ठीक है। और बस ये पीछे भी मेरे देखो सब लोग हैं, लोग खाना वाना खा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे ही है। यहाँ पे भी इधर भी हांगकांग की दुकान है। चलो अब मैं खाना खाती हूँ, ठीक है। ओके जी, मैं आ गई फिर से। असल में यहाँ पे मैं अभी खाना खा चुकी, और यहाँ पे आप देख रहे हो इन्हें छोटा सा यहाँ पर इंडोर ही आइस स्केटिंग बनाई हुई है, वहाँ वो ट्रेनर है बच्चों को सिखा रहे हैं। धुंधला इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं शीशे की दूसरी तरफ हूँ ना, इसलिए यहाँ शीशे लगे हुए हैं ना ऊपर तक, तो मुझे तो आती कोई नहीं। मैं सिर्फ थोड़ी सी देर बस आपको यहाँ पे दिखाने के लिए लगी। यहाँ एक और प्लाजा है, वहाँ पर बहुत बड़ा है आइस स्केटिंग, किसी दिन इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाऊँगी फिर दिखाऊँगी, ठीक है। वो देखो कितना गोल गोल घूम रही है, वाह। हम दो पाँव पे नहीं चल रहे, अगली पहिए वाले पाँव पे चल रही है बड़े मज़े से, वो देखो वाह क्या बात है, नहीं।